सूरज को बुझाने के लिए कितने पानी की जरूरत होगी? इतना सारा पानी वहां तक कैसे पहुंचाया जाएगा? क्या ये पानी सूरज तक पहुंच भी पाएगा? क्या ये पहुंचने के पहले ही सूरज की तेज लपटों से सूख नहीं जाएगा? आपकी योजना जो भी हो, सावधान रहें, क्योंकि सूरज को बुझाने की कोशिश उसकी गर्मी को और बढ़ा देगी। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर हम सूरज को बुझा दें। इससे पहले कि हम ये जानें कि चीजें किस तरह से खराब होने वाली हैं, चलिए जान लेते हैं कि हमें इतना सारा पानी कहां से मिलने वाला है। मेरे दिमाग में कुछ तरकीबें हैं। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा आइस क्यूब कैसा रहेगा? आग बुझाने का एक बड़ा सा नल, या सूरज की तरफ फेंका गया ढेर सारा पानी? चलिए ठीक है, वो बताते हैं जो हो सकता है। कोई भी विशाल आइस क्यूब आने वाले वक्त में हमारे सौर मंडल से गुजरने नहीं वाला। इसके बाद हमारे पास एक ही संभावना बचती है, हमें पृथ्वी पर मौजूद पानी की एक एक बूंद खर्च करनी होगी। हम अपने सागरों को खाली करेंगे और सारा का सारा मीठा पानी भी खत्म कर देंगे। इसके बाद हम बनाएंगे एक बेहद विशाल फायर होज और इसे बिजली की रफ्तार से सूरज के कोर की दिशा में फेंकना होगा। और फिर रुकिए, क्या मैंने ये कह दिया कि और कोई विकल्प नहीं है? मैं एक पानी की दुनिया के बारे में तो भूल ही गया। पृथ्वी से सूरज की रोशनी के साथ साथ सारा पानी भी छीन लेना थोड़ा गलत सा लगता है, और हम सागरों को खाली करने के पूरे काम से बच सकते हैं अगर हमें सूरज की तरफ किसी बाहरी ग्रह को फेंकने का कोई तरीका मिल जाए। लेकिन कोई भी बाहरी ग्रह नहीं, हमारा लक्ष्य होगा एक असल वाटर वर्ल्ड, और हमें पता है कि ये ग्रह हमें कहां मिलेगा। पृथ्वी से कुछ 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ग्रह है जिसका वातावरण भाप से बना है, और वो ग्रह पानी से बना है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा है GJ1214b, लेकिन हम इसे बुलाएंगे वाटर वर्ल्ड। इस ग्रह का डायमीटर पृथ्वी के मुकाबले 2.7 गुना बड़ा है, और इसका वजन हमारे ग्रह के वजन से 7 गुना ज्यादा है, और इसमें पृथ्वी की तुलना में काफी कम पत्थर और काफी ज्यादा पानी है। वाटर वर्ल्ड में शायद इतना पानी हो कि वो सूरज को हमेशा के लिए बुझा दे, लेकिन जैसा आपने सोचा है चीजें उस तरह से नहीं होने वाली। अगर हम सूरज से वाटर वर्ल्ड को मिला पाते हैं तो पहली समस्या होगी अंतरिक्ष में जमता पानी। ऐसा ही कुछ होगा अगर हम एक विशाल पाइप के जरिए पृथ्वी का सारा पानी अपने सूरज को बुझाने के लिए भेजें। बर्फ सूरज की तरफ फेंकी जाएगी, लेकिन ये सूरज के वातावरण से टकराते ही भाप बनने लगेगी। इसके बाद भाप अपने दो हिस्सों यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अलग होने लगेगी, और फिर कुछ बहुत ही दिलचस्प होगा। सूरज देखने में आग का एक बड़ा गोला नजर आता है, पर यह असल में आग नहीं है। इसके तपते कोर के अंदर का दबाव पृथ्वी की सतह से 340 अरब गुना ज्यादा है। ये तेज दबाव हाइड्रोजन को अणुओं के साथ जोड़ता है, जिससे हीलियम बनती है, और इस प्रक्रिया से ऊर्जा पैदा होती है। क्योंकि हाइड्रोजन सूरज के लिए एक ईंधन का काम करती है, इस पर पानी डालना आग में घी डालने जैसा होगा। आप देखेंगे कि सूरज का रंग नीला सफेद सा होने लगेगा, और ये 6 गुना बड़ा हो जाएगा। इससे पूरे ग्रह में भयानक गर्म हवाएं चलेंगी, लेकिन कम से कम ये बढ़ा हुआ सूरज हमें निगलेगा तो नहीं। हालांकि इसके दूसरे कई नतीजे हो सकते हैं। हम सूरज को उसके खुद के ईंधन की मदद से नहीं बुझा सकते, लेकिन अगर हम बिजली की रफ्तार से सही मात्रा में पानी इसकी ओर फेंकते हैं तो इससे सूरज के 2 टुकड़े हो सकते हैं। इसके अंदर का दबाव कम हो सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम नहीं बनाएगी, और इससे सूरज बंद पड़ जाएगा। गर्मी और रोशनी के लिए सूरज ना होने पर पृथ्वी एक जमी हुई दुनिया में बदल जाएगी। केवल 1 साल के बाद ही पृथ्वी का तापमान -73 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाएगा। ज्यादातर पेड़ और जानवर ऐसा होने से काफी पहले मर चुके होंगे, और हम इंसानों का क्या? सागर के सबसे गहरे हिस्सों में भूतापीय झरोखे हमें गर्म रख सकते थे और हमें ऊर्जा दे सकते थे, लेकिन हमने पृथ्वी का सारा पानी तो सूरज पर उड़ेल दिया, तो जमने के अलावा हमारा कुछ नहीं होने वाला। अच्छी बात यह है कि ब्रह्मांड में जो इकलौती चीज सूरज को नुकसान पहुंचा सकती है वो है खुद सूरज, और ये होने में अरबों सालों का वक्त लगेगा। लेकिन इस पर चर्चा के लिए देखते रहें
क्या हो अगर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।